वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, मेरे सभी भाइयों को राम राम। और आज की वीडियो की शुरुआत दोबारा से गैलेक्सी टोयोटा से हम लोग कर रहे हैं। और गाड़ी के अंदर जो है एक मेरे हिसाब से तो माइनर इंजरी है, बट उस माइनर इंजरी के अंदर जो है पार्ट रिप्लेसमेंट होने की पूरी पूरी संभावना हो रही है। मैं आपको पूरा वीडियो दिखाऊंगा और पूरा प्रोसेस समझाऊंगा। रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि वीडियो आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव होगी। जो भी मेरे भाई इंश्योरेंस क्लेम वगैरह लेना चाह रहे हैं, वो मतलब किस तरीके से लिया जाता है, कैसे लिया जाता है, उसके ऊपर पूरी वीडियो बनाऊंगा। बाकी मैं आपको पार्ट वगैरह भी दिखा देता हूँ, कितना डैमेज हुआ है और वो रिपेयरेबल है कि नहीं। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि ये कुछ गाड़ी के अंदर इम्पैक्ट हुआ है और ये दरवाज़ा जो है यहाँ से बेंड हो गया है, ये देख सकते हैं। कोशिश करेंगे कि ये रिपेयर हो जाए, क्योंकि ऐसा तो इसमें कुछ हुआ नहीं है, बाकी माइनर से स्क्रैचेस हैं। तो इसको रिपेयर कराने के लिए अपन MJF टोयोटा आए हैं। बाकी गाड़ी बिल्कुल क्लीन है, तो इसी को मैं रिपेयर करवाता हूँ। देखते हैं पैनल चेंज होगा या फिर ये जो है इसी को रिपेयर कर देंगे। बाकी इंश्योरेंस का अप्रूवल तो हमारा आ चुका है, देख सकते हैं। ये हमारा जो दरवाज़ा है वो रिमूव हो चुका है और अब इसकी जगह पे जो है दूसरा दरवाज़ा आने वाला है। और दरवाज़ा उतना पे रख दिया है, ये इसका जो है ख़राब दरवाज़ा है जिसको रिपेयर कंपनी वालों ने किया नहीं है। कारण वही था कि यहाँ से जो ये बेंड हो गया है, ये लाइन बिल्कुल एग्जैक्ट बन नहीं पाएगी, इसलिए दरवाज़ा चेंज हो रहा है। जो है दरवाज़ा इसमें इंस्टॉल कर रहे हैं, दिखाता हूँ मैं आपको कैसे दरवाज़ा आता है और किस तरीके से फिटिंग वगैरह खुलती है। बाकी इसके साथ जो है सारा कुछ सामान जो है इंश्योरेंस में नया ही मिलता है। ये नीचे दरवाजे की बेडिंग, ये स्टिकर वगैरह सब कुछ नया ही सामान आया है। ये मतलब मेरे को कुछ भी पुराना नहीं इस्तेमाल करना पड़ा है। इंस्टॉल कर रहे हैं यहाँ पे और ये नया दरवाज़ा आ चुका है। इसमें मोल्डिंग वगैरह सब कुछ फिट होगी और जैसे जैसे फिट होगी मैं आपको दिखाता हूँ, जो कि रिप्लेस हो चुका है और ये उतर गया है। साथ ही इसके जो है नया पैनल यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है और उसकी फिटिंग चालू है। बाकी अंदर से इसकी फिटिंग कम्प्लीट हो चुकी है, ये देख सकते हैं। पूरा इसका जो भी ट्रिम वगैरह है वो सब इंस्टॉल हो चुका है और बाकी कलर मैचिंग में भी कोई भी डिफरेंस नहीं है। बस जस्ट इसका रबिंग पॉलिश वगैरह रह रहा है, तो वो करवाते हैं और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। बाकी पैनल वगैरह रिप्लेस हो चुका है और बहुत ही अच्छा जो है सर्विस है टोयोटा का, वो तो सबको मालूम ही है। बाकी एक इसका ये वाला जो पार्ट है ये अब अवेलेबल नहीं है और आफ्टर मार्केट में जाना नहीं चाहता, तो मैं इसको रिमूव ही कर दूंगा। यहाँ पे रिमूव हो जाएगा तो ये गाड़ी एक जैसी हो जाएगी। तो यही कुछ अपडेट था कि ये चेंज हो चुका है। और अगर बहुत ही गहराई से दिखाऊं, जो कि मे भी कैमरा तो नहीं दिखा पाएगा, बट पर्ल्स वगैरह की जो मैचिंग है 00 है, कोई भी डिफरेंस इसमें है नहीं। बाकी गाड़ी अभी गंदी है, कुछ वॉश होती है तो मैं कुछ आपको दिखाता हूँ और बताता हूँ कि इंश्योरेंस में इसका कितना बिल बना है। गाड़ी जो है रेडी हो चुकी है और ये पैनल पेंट हुआ है। पैनल में पेंट में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल 00 इन्होंने मैच करके दिया है। रबिंग के बाद तो कोई डिफरेंस पता ही नहीं लगा पा रहा है। पेंट की क्वालिटी बहुत ज़्यादा शानदार है और अब गाड़ी जो है काफ़ी ज़्यादा गंदी हो चुकी है और गाड़ी अब वॉशिंग पे आई है। यहाँ पर गाड़ी कुछ धुलती है, फिर इसका फाइनल आउटपुट दिखाता हूँ आपको मैं। गाड़ी की वॉशिंग हो रही है, मतलब गाड़ी वॉशिंग पर लग गई है। बहुत ही मतलब सही सर्विस भी है यार, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। अब ये वॉशिंग पे लगी है और डिलीवरी के लिए रेडी हो रही है गाड़ी।